तिलपत हरकेश नगर फरीदाबाद हरियाणा के निवासी सत्य नारायण की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लगभग एक साल पहले जब उन्हें पेट में गांठ का पता चला और डॉक्टरों ने कैंसर की पुष्टि की तो परिवार में मातम सा छा गया। लाखों रुपए खर्च पर इलाज के बाद कीमोथेरेपी ने उनकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। जीवन से हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसी समय सत्य नारायण की बेटी ने यूट्यूब पर मनु भैया जी के शनिधाम गुरुग्राम का एक वीडियो देखा जिसमें लोगों के गंभीर रोगों का समाधान हो रहा था। निराशा के उस क्षण में सत्य नारायण और उनका परिवार एक आखिरी उम्मीद लेकर शनिधाम पहुंचा। वहां गौतम भैया जी ने बताया कि सत्य नारायण के ऊपर किसी ने नकारात्मक क्रिया करवाई थी जो इनकी बीमारी की वजह बनी। ये सुनकर सत्य नारायण आश्चर्यचकित थे लेकिन उनके शरीर की कमजोर स्थिति उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ चुकी थी। फिर वे मनु भैया जी के पास पहुंचे जहां एक महायज्ञ चल रहा था। यज्ञ की पवित्र अग्नि और मंत्रोच्चारण के बीच जब सत्यनारायण ने आहुति दी तब उन्हें अचानक अपने शरीर में ताकत महसूस होने लगी। कब से था ये? इनको 2020 से। अच्छा इनको? हाँ। इधर आइए, उधर आइए। अच्छा तो 2020 में फिर कहाँ कहाँ दिखाया? ये हमने धर्मशिला हॉस्पिटल और भी जो अपने पास में हॉस्पिटल थे फिर हमने इनकी ESI चल रही थी तो वहाँ से इनकी चेकअप करवाया तो उसमें इनके कैंसर निकला था, प्रोस्टेट कैंसर पेशाब का। अच्छा तो फिर उनके दो ऑपरेशन हुए और कीमो भी चढ़ी। कीमो में बहुत बुरी हालत हो गई, मतलब ये समझ लो कि प्राण ही निकलने वाली जी, हालत होती जी, जी। है। उसके बाद चलते रहे फिर थोड़ा हमने शिव जी का दरबार पकड़ लिया, एक भोले बाबा की पूजा करी। अब थोड़े टाइम बाद इनके फिर से कैंसर बैक मार के डॉक्टर कह रहे कैंसर इनके पूरे गांठे फैल गई पेट में बहुत, मतलब अभी लास्ट सितंबर में ऐसी हालत हो गई थी कि घर बेचने तक की नौबत आ गई कि कैसे इलाज करवाएं, कैसे ठीक होगा। फिर आपकी कथा देखी यूट्यूब पे और फिर हमने यहाँ आना शुरू करा, शिवालय पे जाके जल देना शुरू करा भोले बाबा को। और डॉक्टर ने ये मतलब धीरे धीरे कह रहे कैंसर है नहीं, एक साल से चेकअप हो रहा है, अब कह रहे कि कैंसर पता नहीं कहाँ चला गया। तो परम पूज्य मनु भैया जी के यहाँ पहुँचने के बाद आपकी वो गांठें खत्म होने लगी, दर्द खत्म होने लगा, दवाइयां बंद हो गई, डॉक्टर के पास आप नहीं गए? अभी लास्ट दो महीने पहले। आगे खर्च होने वाले लाखों रुपए तो आपके बचे ही, साथ ही जान भी बची। बोलो जय शनिदेव। अब हमारे देशवासियों को क्या संदेश देंगे क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी से निकले हैं आप? यही बोलेंगे कि परेशानी है, समस्या है तो भैया शनि धाम आओ। और आपको दर्द रहते थे तब जब मेरे पास आए, इतने भयंकर दर्द तो ऊपर खड़े हो जाते दर्द ऐसे कर, शरीर आधा हो गया था, आधा शरीर। यहाँ आने के बाद उन्नति हो गई एकदम से। तो आपको डॉक्टर ने कैंसर बताया था, कैंसर कहाँ था फिर अगर यहाँ से ठीक हुआ? इसका मतलब कोई कैंसर था नहीं ना, इसका मतलब रिपोर्ट्स झूठी है, नहीं समझे। यहाँ से क्या ठीक होगा आप बताइए, क्या ठीक करते हैं आप बताइए, मैं क्या ठीक करता हूँ? दर्द बंद हो गई। एक सेकंड आप बताओ मैं क्या ठीक करता हूँ, बताना जरा। दर्द शरीर बिल्कुल सही होगा, ये नहीं बताओ आप, ये बताओ मनु भैया ये ठीक करते हैं, बताइए क्या ठीक करता हूँ? ऊपरी चक्कर से जितने रोग होते हैं वो प्रेत कष्ट, प्रेत भार, प्रेत रोग है ना, पितृ कष्ट, पितृ भार, पितृ रोग, जो हमारे पुराणों ग्रंथों में लिखे हुए हैं, कैसे ठीक करते हैं बताओ, कैसे ठीक करते हैं? हवन के जरिए। हवन के जरिए? आपके पिताजी कितने हवन हुए हैं? ये चौथा हवन है। चौथे हवन में शरीर दुगना हो गया। हाँ। शरीर के सारे दर्द गायब हो गए। इसका मतलब आपके पिताजी को कैंसर नहीं था, सब डॉक्टर झूठे हैं। हाँ। बात से 100% बिल्कुल सही बात है, चेक किया था। हाँ। बताया था तुम्हें किसी ने कराया हुआ है और इतने साल के है। बताया ना आप, फिर वो बताया दीपदान, देखो इनके रोम रोम खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? इनको शक्तिपात हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे झंझनाट हुई है इनके शरीर में, अभी अभी हुई है कि नहीं हुई है? फिर ये वायु है और कुपित भी है लेकिन ये अच्छी वायु है कि आप यहाँ आ रहे हैं, भगवान की आपने वो बताई है तो एकदम से आपके रोम रोम खड़े हो गए। मनु भैया जो करते हैं ना, इसलिए मैं तो रोग ठीक नहीं करता, इसका मतलब आपको रोग नहीं हुआ, तब डॉक्टर झूठा था, फसाद खड़ा कर रहा है बिना बात के, सारे रोगों को अपना बता के फसाद खड़ा कर रहा है, और जब सारे रोगों को अपना बता के फसाद खड़ा कर रहा है तो फिर ठीक क्यों ना करता, नहीं समझे? फिर आप यहाँ से दुगने कैसे हो गए और आपके दर्द बंद कैसे हो गए?
इसका मतलब डॉक्टर 100% झूठा था आपके केस में, कितना 100% था कि नहीं बेटे? बिल्कुल सही बात। जय श्री। अब अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। फरीदाबाद में कौन सी जगह? कोई जगह भी होगी जब आपको कैंसर हुआ है, कैंसर ठीक हुआ है? हरकेश नगर तिलपत फरीदाबाद, वहाँ से आया। अपना मोबाइल नंबर बताओ। 99-10-47-41-37। अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही बात बताएंगे, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है। बोलो जय शनिदेव। नहीं था भाई सब, फिर सब खून गिर जाता, दो उंगली के बार खड़े हो जाते तो पैर कैसे पकड़ना पड़ता। उन्होंने अपने सारे कार्यों को छोड़कर शनिधाम में 12 दिन तक रुकने का निर्णय लिया। इस दौरान महायज्ञ और मनु भैया जी के मंत्रोच्चारण से उनके पेट की सभी गांठें धीरे धीरे खत्म होने लगी। 12 दिन के उपचार के बाद सत्यनारायण पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। 3 महीने बाद जब वे फिर से शनिधाम लौटे तो वह पूरी तरह से कैंसर मुक्त थे। सत्यनारायण का कहना है कि उनके जीवन को नया जीवन दान देने वाले मनु भैया जी उनके लिए भगवान समान हैं। वे अपने अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि मनु भैया जी के चरणों में शत शत प्रणाम, उनके आशीर्वाद से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सत्यनारायण की यह कहानी केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके जीवन में घटित एक वास्तविक घटना है जो हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।